देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ एनीथिंग से मुझे, और यहाँ पे हमारे साथ है दीक्षा, इसको तो आप जानते ही हैं, जो कि और हमारे साथ जो अगला डांसर है जो कि हमारी टीम से सॉर्ट ऑफ एनीथिंग से, वो है आकाश, आकाश शर्मा, और एक फ्रेंड और है हमारे पास न्यू, प्रीति हमारे साथ है, और हम आए जॉय गाँव में। सबसे पहले मैं एंकर से मिलाना चाहता हूँ, ऋषभ हमारे साथ है, और ऋषभ हमें सब कुछ बताएंगे। अभी वैसे हम काफी पहले आ चुके थे, ऋषभ ने सबसे पहले खाना खिलाया, सब कुछ करवा दिया हमारा, जरूरी है पहले खाना खिलाना कि पेट पूजा फिर काम पूजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो अगली, अब हम सारी लोकेशन देखेंगे। हमें बेसिकली दो डांस शूट करने आए, एक आकाश का और एक हमारा, मतलब एक शॉर्ट ऑफ एनीथिंग के चैनल पर डलेगा और एक दिशा के चैनल पर डलेगा। तो पहले लोकेशन देखते हैं। आप जरूर सुने, और हम लोगों ने जॉय गाँव में किया है जैसे कि आपको भैया ने बता दिया है। और किसने शूट किया है? ऑफकोर्स हमारी सुमित भैया ने। थैंक यू, थैंक यू भैया ने। एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर जो भी बने हैं, उन्होंने भी इसमें डांस किया है। ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है बच्चों के लिए, और जॉय गाँव एक मस्त प्लेस है, सबके लिए इंजॉयमेंट है, फैमिली पैक प्लेस है, आपको भी आना चाहिए और घूमना चाहिए यहाँ पर, सबके लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। एंड अ बिग थैंक यू टू आवर एंकर मिस्टर ऋषभ। तो ऋषभ जी बताइए, आपको पहले तो हमारा डांस कैसा लगा आपने देखा? बेसिकली इन शॉर्ट ये बहुत ही कमाल का पैकेज था जो भी मैंने आज देखा। दीक्षा के जो एक्सप्रेशन है बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, आप लोग बहुत नोटिस भी करते होंगे कि एक्सप्रेशन डांस, शी इज मल्टी टैलेंटेड, मतलब एक होता है बेस्ट परफॉर्मर जो डांस बहुत अच्छा करता है बट एक्सप्रेशंस बहुत ही मजे लगते हैं। सो बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोग इनके चैनल को, दीक्षा गौर के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही आई गेस अच्छा कर रही है। थैंक यू मिस्टर ऋषभ। तो अभी हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ घूमना, और ऋषभ हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या घूमने लायक है और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जॉय गाँव में आप लोग बहुत कहीं बाहर रहते हो डिनर के लिए, लंच के लिए, तो बहुत सारे पैसे आप लोग खर्च करते होंगे, और म्यूज़िक के लिए आप लोग क्लब जाते होंगे, लेकिन जॉय गाँव एक ऐसा पैकेज है जहाँ पर आपको एडवेंचर पार्क, ग्रामीण जोन, किड जोन, इंडोर गेम्स, डीजे, प्लस अनलिमिटेड फूड विद द ग्रामीण जोन का खाना, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, और भी बहुत सारी वैरायटीज भी हैं, और खाना चाइनीज, कॉन्टिनेंट, सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग आगे ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वंडरफुल है। जो है गाँव बहादुर रोड के पास में, आप लोग आएँ और आकर के पूरे मजे करें। और हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैं पर्सनली बता दूँ कि हॉस्पिटैलिटी मैंने चेक किया, आते ही इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट खिलाया है, और अमेजिंग ब्रेकफास्ट था वो। अब नेक्स्ट सॉन्ग जो है प्रिपेयर करने वाले हैं, और नेक्स्ट सॉन्ग जो करने वाले हैं सॉर्ट ऑफ एनीथिंग की तरफ से आकाश करने वाला है। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, सो वी हैव डन विद ऑल द शूट्स, दीक्षा का भी शूट हो गया है और आकाश का भी शूट हो गया है। ये रहे हम करने वाले हैं ट्रेन यात्रा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स बंद हो चुकी हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, तो अगर जब भी आप आ रहे हैं तो कोशिश करना कि आप टाइम पर आए। लस्सी है, मैं आके लस्सी ट्राई करने वाला हूँ। ऑसम लस्सी है सही में। कैसी लग रही है लस्सी? ऑसम, एक नंबर। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान करें तो बिल्कुल जल्दी आएगा, थोड़ा क्योंकि अगर लेट करते हैं तो सबसे पहले तो ये आप खो देंगे। वी आर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। Found myself in my